नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख, प्रेम और सौंदर्य के कारक ग्रह शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 15 फरवरी 2023 की शाम 7:43 पर शुक्र कुंभ राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि और देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 11 मार्च 2023 तक शुक्र मीन राशि में ही संचरण करने वाले हैं। तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। उसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो शुक्र के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र को एक महत्वपूर्ण ग्रह है और एक शुभ ग्रह माना गया है, क्योंकि इनके ही प्रभाव से सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। शुक्र को संगीत का, भौतिक सुखों का, इंद्रिय सुखों का, पत्नी का, वैवाहिक जीवन का, वाहन सुख का, व्यापारिक जीवन का कारक ग्रह माना जाता है, यानी इन सभी क्षेत्रों पर शुक्र का ही आधिपत्य होता है। शुक्र की स्थितियां यदि जन्म कुंडली पर अनुकूल होती है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई प्रकार की सफलता देखने के लिए मिलती है। शुक्र यदि बलि हो तो हर प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख प्राप्त होता है। जातक की वाणी और जातक का व्यक्तित्व काफी ज्यादा सराहनीय होता है, आकर्षक होता है। ऐसे व्यक्ति को व्यापारिक जीवन में और कर्म क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है। शुक्र बलि हो जाए तो जीवन में क्रिएटिव क्षेत्रों में जातक जुड़ता है, यानी संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन क्षेत्रों में जातक की गहरी रुचि होती है और इन क्षेत्रों में जातक संलग्न होकर बड़े बुलंदियों को भी अर्जित करता है। शुक्र वृषभ और तुला राशि के स्वामी माने जाते हैं। एक राशि में ये 23 दिनों तक गोचर करते हैं। जन्म कुंडली पर जब भी शुक्र की स्थितियां खराब होती है तो कई प्रकार की समस्या देखने के लिए मिलती है। शुक्र पीड़ित हो जाए तो नपुंसकता, सेक्स से जुड़ा हुआ रोग, संस्कारहीनता, आर्थिक संकटों का सामना जीवन में करना पड़ता है। शुक्र के पीड़ित होने पर वैवाहिक जीवन में लगातार समस्या निर्मित होने लगती है। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों, ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। कर्क राशि वाले जातकों, शुक्र आपके सुख भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर दिनांक 15 फरवरी को आपके राशि के नवम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। राशि के नवम भाव से भाग्य, धर्म, यात्राओं के बारे में, पिता तुल्य लोगों के बारे में, शिक्षा के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। तो यह परिवर्तन कर्क राशि वाले जातकों के लिए काफी बेहतर रहने वाला है। शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके राशि के भाग्य भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो कैरियर के क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को सकारात्मकता देखने के लिए मिलने वाली है। नौकरी पेशा जातक उत्साहित होकर मनोबल से भरे हुए रहकर कार्य करते हुए नजर आ सकते हैं। जो जातक व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए हैं, खुद का व्यापार चला रहे हैं, व्यापारिक नवीनीकरण और व्यापारिक सफलता आपको देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए, जो जातक क्रिएटिव फील्ड में जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं या हायर एजुकेशन के फील्ड में जुड़कर जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इस समय अंतराल में कर्क राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में परिवार के सदस्यों का भरपूर सहयोग देखने के लिए मिलने वाला है। परिवार के सदस्य आपके संबंध काफी बेहतर रहेंगे।
भाग्य आपको भरपूर सहयोग देखने के लिए मिलेगा, जिससे यदि आप किसी प्रकार का प्रमोशन यदि आप चाहते हैं उसमें भी आपको सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। यात्राओं के अवसर आपको काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, जिससे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। उसके साथ साथ धार्मिक क्रियाकलापों में आपका जुड़ाव रहने वाला है। धर्म कर्म में आपकी काफी आस्था रहने वाली है, धर्म कर्म से आप काफी ज्यादा जुड़े रहने वाले हैं। प्रेम प्रसंग के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए प्रेम संबंधों में प्रसन्नता देखने के लिए मिलने वाली है। पूर्व के समय से यदि आपके जीवन में वैवाहिक संबंधों में यदि प्रतिकूलताएं बनी हुई थी या प्रेम जीवन में यदि आपको निराशा देखने के लिए मिल रही थी, इन सभी क्षेत्रों से इन सभी चीजों से आपको निजात मिलने वाली है। पार्टनर का आपको भरपूर सहयोग देखने के लिए मिलने वाला है। उसके साथ साथ आर्थिक उन्नति होने की भी विशेष संभावना दिखाई दे रही है। एक से अधिक माध्यम से धन लाभ प्राप्त करने में आप सफल रहने वाले हैं। यदि आपके लिए सावधानी की जानकारी दिया जाए तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों को इस समय अंतराल में कई कार्यों में एक साथ संलग्न होने से बचना चाहिए। मन में एकाग्रता बनाकर ही आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है और कर्क राशि के जातकों को भावना के वशीभूत होकर यदि आप कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको काफी सतर्क होकर निर्णय लेने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो शुक्र को अनुकूल और मजबूत करने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी के ऊपर यदि आप सफेद पुष्प अर्पित करते हैं और मां लक्ष्मी के मंत्रों का यदि आप जप करते हैं तो आपको काफी श्रेष्ठता देखने के लिए मिलेगी। शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करना आपके लिए बेहतर रहेगा, जैसे दही, सफेद शक्कर, ग्लूकोज, चावल, कपास। इन चीजों का दान यदि आप जरूरतमंद लोगों में करते हैं तो शुक्रजन्य शुभ प्रभाव आपके जीवन में काफी प्रभावी होगा और आपके जन्म कुंडली से शुक्र का दुष्प्रभाव दूर होगा। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।